गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम कल हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा था, उसके गुण, उपयोग और किस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है उसके बारे में हमने देखा था। आज हम पढ़ते हैं अगला नेक्स्ट यौगिक जो है विज्ञान के अंदर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण, क्या है, CaOCl2 के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो इसका साधारण नाम क्या, साधारण नाम कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या है, विरंजक चूर्ण, साधारण नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। दूसरा इसका है रासायनिक नाम, साधारण नाम इसको क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण, और रासायनिक नाम इसका क्या है, रासायनिक नाम इसका है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये इसका है रासायनिक नाम। साधारण नाम क्या है, CuCl2 का साधारण नाम विरंजक चूर्ण, और रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये बनता कैसे है, तो कल मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी कि जब NaCl का हम विद्युत अपघटन करते हैं तब क्या होता है, Cl2 गैस प्रवाहित हो रही थी, Cl2 गैस उसमें क्या हो रही थी, कहाँ पर मुक्त हो रही थी, एनोड पर मुक्त हो रही थी। वही Cl2 गैस, वो जो Cl2 गैस है, उस Cl2 गैस की जब हम कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड, किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड, या इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। कैसे बनता है ये, देखो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, चूने की क्रिया जब हम H2O से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड बनता है, ये क्या है, चूना, बिना बुझा हुआ चूना। किसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसकी जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, जल इसके अंदर ऐड हो गया तो ये हो गया बुझा हुआ चूना। तो इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, क्लोरीन से, जब इसकी क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो बनता है CaOCl2, क्या बनता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड की क्रिया जब हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, और साथ ही साथ क्या बनता है, जल बनता है। तो CuCl2 साधारण नाम क्या हो गया, विरंजक चूर्ण, रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, नाम से पता चला, देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीजन कहते हैं इसको, तो ऑक्सीक्लोराइड हो गया ये, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और तो किसकी रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड की जब हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब हम इसके पढ़ते हैं गुण, देखो इसके गुण क्या क्या है। पहला जो इसका गुण होता है, पहला गुण है ये कैसा होता है, पीला पदार्थ, कैसा, कल हमने पढ़ा था पीला, कल हमने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोऑक्साइड श्वेत होता है, NaCl भी श्वेत होता है, ये होता है पीला। फिर और होता है तीक्ष्ण गंध वाला, कैसा होता है, तीक्ष्ण गंध होती है, साथ ही ये होता है ठोस, ठोस पदार्थ है। तो गुण क्या क्या हो गया, पीला, तीक्ष्ण गंध वाला और ठोस पदार्थ। तीक्ष्ण गंध किसकी होती है, तीक्ष्ण गंध होती है इसमें क्लोरीन की, क्लोरीन की जो गंध होती है वो कैसी होती है, तीक्ष्ण गंध होती है क्लोरीन की। तो क्लोरीन की गंध कैसी होती है, तीक्ष्ण, तो पदार्थ कैसा है, पीला, तीक्ष्ण गंध वाला और ठोस पदार्थ है। दूसरा गुण इसका क्या है, देखो ये तो हुआ पहला। दूसरा है कि हमने देखा था कि सोडियम हाइड्रोऑक्साइड NaCl वो जल में विलय है, ये कौन से जल में विलय, ये है ठंडे जल में विलय, याद रखना ये किसमें, ठंडे जल में विलय, यानी ये भी विलयशील है लेकिन किस जल में, ठंडे जल में विलय। तो दूसरा गुण हो गया ये ठंडे जल में विलय। तीसरा गुण है कि अगर इसको वायु में अगर हम खुला छोड़ दें, किसको, विरंजक चूर्ण को अगर हम वायु में खुला छोड़ें, तो वायु में खुला छोड़ने पर ये कौन सी गैस देता है, Cl2 गैस देता है। तो तीसरा गुण क्या है कि अगर इसको हम वायु में खुला छोड़ें तो ये कौन सी गैस देगा, Cl2 गैस देगा। तो ये तीसरा गुण हो गया इसका। चौथा गुण इसका है कि ये तनु अम्ल डाइल्यूट एसिड्स के साथ, तनु अम्ल के साथ ये अभिक्रिया करता है, तनु अम्ल से अभिक्रिया कर Cl2 गैस देता है, क्या देता है, Cl2 गैस। Cl2 दो, एक तो वायु में खुला छोड़ने पर Cl2 गैस देगा, दूसरी बात कि अगर हम तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करें तो ये Cl2 गैस देगा। तनु अम्ल के बारे में मैंने आगे आपको पढ़ाया था, जब हमने RNAS संकल्पना पढ़ी थी तब हमने बताया, तनु अम्ल का मतलब होता है कि जल की तुलना में जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो,
उसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस कहते हैं, समझ गए। तनुक्षार या तनु अम्ल की परिभाषा में पढ़ी थी कि जल की तुलना में अम्ल की मात्रा इसमें कम हो, यानी जल की मात्रा अधिक हो, तो वहाँ हम कहते हैं उसे तनु अम्ल कहते हैं। तो तमनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देता है, Cl2 गैस देता है। तो देखो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम, तनु अम्ल के साथ किस तरीके से अभिक्रिया करता है, तो तनु अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन देखते हैं। देखो तनु अम्ल के साथ ये इसका गुण है, चौथा गुण, तनु अम्ल जैसे मान लिया हमने H2SO4, क्या मान लिया H2SO4, इसके साथ इसकी क्रिया कराते हैं CaOCl2, CaOCl2 की रिएक्शन कराते हैं। तो क्या कहा है, तनु अम्ल के साथ अभी कौन सी गैस देता है, Cl2 गैस देता है। इसके साथ एक तो ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस एक H2O और साथ ही साथ ये देगा क्लोरीन गैस। तो तनु अम्ल यानी H2SO4 हमने क्या लिया, डाइल्यूट, डाइल्यूट H2SO4 के साथ विरंजक चूर्ण अभिक्रिया करके लवण और कौन सी गैस देता है, Cl2 गैस देता है। दूसरी रिएक्शन जैसे हम पढ़ते हैं HCl टू एस एल लिया, इसके साथ सी ओ ओ सी एल टू की अभिक्रिया कराई, तो एक तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड लवण और प्लस वही बनेगा जल और एक बनेगा सी एल टू, तो यहाँ पर भी गैस। तो क्या हुआ, तनु अम्ल के साथ विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है, सी एल टू गैस बनती है। वही तनु अम्ल के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ भी सी ओ सी ए ओ सी एल टू यानी विरंजक चूर्ण अभिक्रिया करके कौन सी गैस का निर्माण करता है, सी एल टू गैस का निर्माण करता है। तो चौथा गुण इसका क्या है, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, ये Cl2 गैस देता है। अब देखो पांचवा गुण इसका क्या है, ये जो Cl2 गैस है, ये Cl2 गैस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, एक तो एसिड बनाती है और साथ ही साथ ये बनाती है एक परमाणविक ऑक्सीजन, इसे हम क्या कहते हैं, एक परमाणविक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निर्माण करती है। क्या बनाती है, Cl2 गैस जो मुक्त हुई है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, एक परमाणविक ऑक्सीजन बनाती है। अब ये एक परमाणविक ऑक्सीजन का काम क्या है, ये जो एक परमाणविक जो ऑक्सीजन है, ये जो एक परमाणविक जो ऑक्सीजन है, ये किसके साथ यूज होती है, रंगीन पदार्थ, रंगीन पदार्थ के साथ जब ये संयुक्त होती है तो उसका कलर उड़ा देती है और कैसा कर देती है, रंगहीन, कैसा पदार्थ बना देती है, रंगहीन पदार्थ बना देती है। सबसे इंपॉर्टेंट के विरंजक विरंजन की क्रिया किस तरीके से होती है, तो हम क्या कहेंगे, जब Cl2 की क्रिया जल के साथ और उसके साथ रंगीन पदार्थ जब हम डालते हैं तो एक परमाणु ऑक्सीजन बनती है, एक परमाणु ऑक्सीजन उस रंगीन पदार्थ के साथ, भले कागज हो कपड़ा हो उसका रंग उड़ाना है, तो ये रिएक्शन होती है, इसे हम कहते हैं विरंजन की क्रिया। तो ये ऑक्सीजन उस रंगीन पदार्थ के साथ संयुक्त हो जाती है और उस पदार्थ को क्या कर देती है, रंगहीन, मतलब उसका कलर उड़ा देती है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विरंजन की क्रिया। इसको क्या कहते हैं, विरंजन, क्या कहते हैं, विरंजक, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, विरंजक चूर्ण, यानी ये रंग उड़ाने में सहायक है, जो कागज उद्योग वस्त्र उद्योग उसमें रंग उड़ाने में सहायक है। तो एक परमाणविक ऑक्सीजन बनती है किसके साथ, Cl2 की, जब जल से बिगड़ गया तो एक परमाणु, एक परमाणु ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ के साथ संयुक्त हो जाती है और पदार्थ को कैसा बनाती है, रंगहीन यानी कलरलेस, कलरफुल पदार्थ जो जो होता है उसका कलरलेस बना देती है, यानी रंग उड़ाने में सहायक। तो इस क्रिया को हम कहते हैं विरंजन की क्रिया। तो ये इसके हो गए गुण, गुण क्या है, पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है, ठंडे जल में विलय है, वायु में खुला छोड़ने पर Cl2 गैस देता है, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी Cl2 गैस देता है, ये वाली, और ये Cl2 गैस जल के साथ संयुक्त होकर क्या बनाती है, एक परमाणु ऑक्सीजन बनाती है, ये एक परमाणु ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ के साथ संयुक्त हो जाता है, उसे रंगहीन कर देता है, कलर उड़ा देता है, तो इसे हम कहते हैं विरंजन क्रिया। इस कौन सी क्रिया कहते हैं, इसको विरंजन की क्रिया कहते हैं। तो ये इसके गुण हुए और इसके नॉलेज। अब हम इसके पढ़ते हैं उपयोग, देखो उपयोग इसका क्या क्या होता है, इसका उपयोग क्या क्या है, देखो ध्यान से समझना, इसका उपयोग क्या क्या है, उपयोग भी देख लेते हैं एक बार। पहला जो इसका उपयोग है, पहला इसका उपयोग ध्यान देना, पहला उपयोग हमने देखा ही है, देखो किसमें, रंग उड़ाने में, किसमें, रंग उड़ाने में। तो पहला उपयोग इसका क्या है, रंग उड़ाने में, तो उपयोग देखते हैं इसका। पहला उपयोग तो हुआ कागज और वस्त्र उद्योग में, उद्योग में विरंजक के रूप में, किस रूप में, विरंजक, रंग उड़ाने में विरंजक के रूप में, रूप उनका मतलब क्या हुआ कि कागज उद्योग वस्त्र उद्योग, तो रंगीन कपड़े जो होते हैं जिनका कलर उड़ाना है, में तो उसके अंदर ये यूज किया जाता है, कौन, विरंजक चूर्ण। दूसरा है इसका उपयोग हम करते हैं रोगाणुनाशक में, रोगाणुओं को नष्ट करने में भी इसका उपयोग होता है रोगाणुनाशक में। इस रोगाणुनाशक में कौन, ये जो Cl2 गैस होती है वो रोगाणुओं को नष्ट कर देती है, बहुत तीक्ष्ण होती है तो रोगाणुओं को ये नष्ट करते, तो रोगाणुनाशक में भी इसका यूज करते हैं, ज्यादा जो पदार्थ बनते हैं जो रोगाणु को नष्ट करने में, उसमें इसका भी पार्ट होता है,
समझ गए विरंजक चूर्ण। तीसरा इसका उपयोग ये पेयजल को शुद्ध करता है, पेयजल को शुद्ध करने में, जो पीने का पानी उसके अंदर मिलाते हैं तो पेयजल को शुद्ध करता है, उसमें जो बैक्टीरियाज वगैरह होता है उनको नष्ट करने का काम भी ये करता है। तो विरंजक चूर्ण पहला गुण क्या, कागज वस्त्र उद्योग के विरंजक के रूप में, दूसरा रोगाणुनाशक के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने में, और चौथा इसका जो उपयोग है वो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में मतलब कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही उसका पता करने के लिए भी इस विरंजक चूर्ण का उपयोग हम करते हैं। तो कहाँ पर, कागज वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक, और एक है ऑक्सीकारक, किसमें, ऑक्सीकारक में भी इसका यूज होता है, ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। सीधी सी बात है, देखो ऑक्सीजन जुड़ रही है, रंगीन पदार्थ को रंगीन कर रही है, तो ऑक्सीकारक एजेंट क्या कहलाते हैं, जो ऑक्सीजन जो ऑक्सीकृत करते हैं, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना यानी ऑक्सीकृत करना, या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, ये कहलाता है ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में भी ये कार्य करता है। तो ये क्या है, विरंजक चूर्ण। तो साधारण नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। किस तरीके से बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब क्लोरीन से हम कराते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। और ये विरंजक चूर्ण के क्या थे गुण, और ये थे इसके उपयोग, कागज और वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, रोगाणुनाशक में, पेयजल को शुद्ध करने में, प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में, और ऑक्सीकारक के रूप में इसका यूज हम करते हैं। इसको आप अपनी कॉपी के अंदर जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करें, और अब लिखें इनको, ध्यान से पढ़ें, समझें इनको, वीडियो को बार बार देखें और इसको अध्ययन करें, अच्छी तरीके से अध्ययन करें। आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट योगी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।